हमारे देश में धर्म के प्रति लोगों की आस्था हमेशा से रही है और ये बात एक बार राम मंदिर की होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से फिर साफ हो गई है, लेकिन कोई है, बल्कि यूं कहे कि एक पूरी की पूरी फौज है जो आपकी इस आस्था का बड़े ही शातिराना तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जेब को भरने और आपके अकाउंट को खाली करने की तैयारी में है। राम भक्त हो जाएं सावधान, ठगों के निशाने पर भक्तों की आस्था, पूजा अनुष्ठान के बहाने ऑनलाइन ठग लगा रहे निशाने। हमारा देश धर्म और आस्था का देश कहलाता है, लोगों की धर्म में बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर हमला कर अपनी जेब गर्म करने वालों के निशाने पर अब राम भक्त भी आ चुके हैं। इसीलिए ठगी से पहले ही हो जाइए सावधान, क्योंकि साइबर ठग आपको निशाना बनाने की कर चुके हैं तैयारी। कुछ मामलों से जरा ये बात समझिए। ऑनलाइन पूजा के नाम पर धोखा, ऑनलाइन पूजा के नाम पर ठगी, ऑनलाइन अनुष्ठान पड़ गया महंगा, अनजान नंबर से आया कॉल, पूजा पाठ से स्वस्थ होने का झांसा, अनुष्ठान के नाम पर 36 लाख ट्रांसफर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली एक युवती ऐसे ही जाल में फंस गई और 36 लाख रुपए उससे ठग लिए गए। पुलिस ने बताया कि एक लड़की मानसिक रूप से बीमार थी, उसने गूगल पर पूजा पाठ के सहारे बीमारी से मुक्ति के लिए सर्च किया, जिसके बाद सर्च में सामने आई एक वेबसाइट जिस पर युवती से मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी गई और नंबर डालते ही अनजान नंबर से फोन आया। लड़की को पूजा पाठ से ठीक होने का झांसा दिया गया और अलग अलग हवन कराने के नाम पर ठगी कर ली गई। युवती से अनुष्ठान के नाम पर 36 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। सरकंडा में केस आया है जो एक युवती को कुछ प्रॉब्लम थी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की, तो उसने ऑनलाइन पूजा कराने के नाम पर कुछ एक संस्था को पैसे दिए और एक ऐसे करके उसके द्वारा बताया गया कि उसने 36 लाख रुपए उसको ट्रांसफ़र किए हैं। ये भी उसने गूगल के माध्यम से ही ऑनलाइन पूजा कराने का नंबर ढूंढ के उसमें ये ढूंढा था। तो इस तरह से आप जब किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट में आके पैसे दे रहे हैं तो ऐसे बिना वेरीफाई किए नहीं देना चाहिए, और चाहे वो आस्था का विषय या कुछ भी हो। अब जरा दूसरा मामला भी जानिए। ऑनलाइन खोजा होटल का नंबर, कमरों की बुकिंग के नाम पर ठगी, 4 बार में 1.5 लाख का चूना। बिलासपुर के ही आनंद परिवार और दोस्तों के साथ पूरी जाने वाले थे, गूगल पर होटल बुकिंग के लिए नंबर खोजा, 3 नंबर मिले जिस पर एक शख्स से बात हुई। शख्स ने खुद को मैनेजर बताया। 8 कमरों की बुकिंग के नाम पर 1.5 लाख से ज्यादा रकम जमा करा ली गई। संदेह होने पर आनंद ने जब पुरी में एक परिचित से पता कराया तो जानकारी मिली कि उन्हें ठग लिया गया है। तोरवा में एक कुछ लोगों को पुरी घूमने जाना था, उन्होंने गूगल से फेक होटल के नंबर पर कॉल करके बुकिंग कराई और उन लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लगभग 1.5 लाख रुपये। तो इस वजह से जब उन्होंने उसमें चेक किया कि ये होटल है कि नहीं है, जब उन्हें शक हुआ तो पता चला कि इस नाम की कोई होटल नहीं है और उन्होंने गलत अकाउंट में पैसे दे दिए हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि जब आप किसी भी होटल के बारे में गूगल में सर्च करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, इसलिए इस तरह के वेरीफाई जो हैंडल्स होते हैं या जो वेरीफाई ऐप होते हैं उनके माध्यम से ही आप होटल की ऑनलाइन बुकिंग करें। ये मामले तो केवल बानगी हैं, इसके अलावा भी ऐसे कई मामले ठगी के पुलिस के सामने आ चुके हैं जिसकी जांच जारी है, लेकिन शातिर ऑनलाइन लुटेरे पुलिस के हाथों से अब भी दूर हैं। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। आगे आपको हम बताने वाले हैं कैसे राम भक्तों की आस्था पर ठगों की है शातिर नजर। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
आस्था के नाम पर ठगी के दो तरीकों को तो आपने जान लिया, आप सजग भी हो गए होंगे, लेकिन ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों तरीके हैं जिसके जरिए आस्था के सहारे साइबर अपराध की बेल चढ़ती और बढ़ती जा रही है। अब जानिए कैसे राम भक्तों को शिकार बनाने की हो रही है कोशिश। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर हर सनातनी में अगाध आस्था नजर आ रही है, उसे भी निशाने पर लेने के लिए ऑनलाइन धोखेबाज तैयार हो चुके हैं। ये तो जग जाहिर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही अयोध्या नगरी की यात्रा करने के लिए जनता उमड़ पड़ेगी। हर कोई रामलला के दर्शन को जाना चाहता है। ऐसे में साइबर ठगों के निशाने पर आस्था का केंद्र भी आ चुका है। साइबर ठगों के टारगेट पर राम मंदिर, आस्था के केंद्र को निशाना बनाने की तैयारी, वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी का खेल। पुलिस तक पहुंच चुका है मामला। पुलिस को पता चला है कि ठग अब राम मंदिर के उद्घाटन के लिए वीआईपी टिकट के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं और लोग भी बड़ी आसानी से इनके जाल में आस्था के नाम पर फंसते चले जा रहे हैं। आजकल इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड आते हैं, जैसे रिसेंटली एक और फ्रॉड देखा जा रहा है कि लोग व्हाट्सएप में आपको एक एपीके फाइल या लिंक शेयर करते हैं और उसमें बोला जाता है कि जो अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है उसका उसके वीआईपी टिकट आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एपीके फाइल में हो सकता है कुछ कोई ऐसा रिमोट जो एनी डेस्क टाइप का ऐप भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसमें कोई ऐसी लिंक हो जिसमें आपके में कुछ मॉलवेयर इंस्टॉल हो जाए जो आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह की किसी भी फ्रॉड से बचना चाहिए। बिना वेरीफाई किए इस तरह के ना तो लिंक पे या ना किसी नंबर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि अपना जो पैसा है वो कभी भी किसी को ऑनलाइन इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। हालांकि पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए और साइबर क्राइम को रोकने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है, लेकिन इसके बाद भी ठग नए नए शातिर तरीके अख्तियार कर अपना जाल और फैलाते जा रहे हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाए। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी की जानकारी किसी को न दें, ऑनलाइन जानकारी देने से बचें। खतरे में डाल सकता है एनी डेस्क, दूसरे को मिल जाता है मोबाइल एक्सेस। अनजान साइट पर न करें ट्रांजेक्शन, लालच में डालने वाली चीजों से दूर रहें। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी को भी अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको 10 बार वेरीफाई कर लें, 50 बार पूछ लें, लेकिन किसी को भी ऐसे ना दें पैसे, खासकर ऑनलाइन माध्यमों से। और कुछ भी अनवांटेड ऐप हो, अनवांटेड लिंक हो, आपके व्हाट्सएप में किसी नए नंबर से कुछ भी लुभाने वाली चीज आती हो तो उसके झांसे में ना आए, सतर्क रहें, और इसी प्रकार से ही आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपनी थोड़ी सी सजगता से खुद को ठगी के बड़े जाल में फंसने से बचा सकते हैं। तो सतर्क और होशियार रहिए, क्योंकि साइबर के ठगों का जाल पहले से तैयार है। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब हम आपको मिलवाते हैं कलयुग के सबसे बड़े राम भक्त से, जो पेशे से किसान हैं, लेकिन इन्होंने वाल्मीकि रामायण दोबारा लिखी। खास बात यह है कि दोबारा लिखे इस रामायण का एक एक अक्षर सीता राम नाम से बना है। इस अनोखे राम भक्त के घर के हर कोने पर रामायण की चौपाइयां लिखी हैं। तो वहीं केदार सिंह के परिवार में सभी के नाम भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राम नाम पर नाम ते प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन सुमंगल कोस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के परायण हैं, राम नाम में ही जिनका प्रेम विश्वास और भरोसा है, वो राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है।
इस दोहे को अपने जीवन में चरितार्थ किया है बैतूल के देवगांव निवासी किसान केदार सिंह पटेल ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम नाम लिखने के लिए समर्पित कर दिया। केदार पटेल ने वाल्मीकि रामायण दोबारा लिखी है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस रामायण में लिखा एक एक अक्षर सीताराम नाम से बना हुआ है। अक्षर, मात्राएं, लकीरें और चित्र भी सीताराम नाम से बने हैं। साल 1997 में एक दोस्त से प्रेरणा लेकर केदार ने सीताराम लिखना शुरू किया। पहले सीताराम नाम से सैकड़ों पन्ने भर दिए, फिर सीताराम नाम के अक्षरों से 2 महीने में सुंदरकांड लिख दिया और फिर वाल्मीकि रामायण भी महज 6 साल में लिखकर पूरी कर दी, जिसका हर अक्षर सीताराम नाम से बना है। सबसे पहले हमने कहा राम नाम लिखे तो अक्षरों में लिखे, तो अक्षरों में लिखे तो भाई राम नाम में ये अपने सुंदरकांड पहले लिखे, तो सुंदरकांड लिखना शुरू किया तो वो लगभग 2 महीने में कंप्लीट हो गया। 60 दोहे होते हैं इसके, तो 60 दिन में 60 दोहे लिख लिए। तो ऐसा लगा कि अब हनुमान जी हमसे पूरी रामायण लिखवाना चाहते हैं, तो फिर हमने बाद में बालकांड से चालू किया इसको, तो उसके बाद पूरी रामायण हुई। 6 साल लगे हमको लिखने में, पूरी रामायण लिखने में। कैसे लिखे आपने, क्या चीज़ें इस्तेमाल की इसमें? पहले तो इसको हम क्या कहते थे, कागज़ पे लाइनिंग करके और पेंसिल से उसका प्रोफार्मा बना लेते थे, चौपाई बना लेते थे पेंसिल से, और फिर उसके ऊपर पेन से उसको भर देते थे। राम नाम लिखते लिखते केदार पटेल अब बुढ़ापे की दहलीज तक आ चुके हैं, लेकिन राम नाम लिखना जारी है। आज इन्हें सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो अपने आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बनता देख रहे हैं और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। केदार को लगता है कि मानो करोड़ों बार उनका राम नाम लिखना सफल हो गया। राम नाम कलिकल्प तरु सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद। केदार सिंह पटेल के पूरे घर की दीवारों और कोनों पर रामायण की ऐसी ही चौपाइयां लिखी हुई हैं। साथ ही घर के हर सदस्य का नाम भगवान राम, श्री कृष्ण या किसी अन्य देवी देवता से जुड़ा है। केदार की पत्नी, बेटे, बहुएं, बेटी, दामाद, नाती, पोते सब राम भक्त हैं। परिवार को लगता है केदार पटेल के राम नाम लिखने से ही परिवार में खुशहाली है। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि केदार पटेल जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम भी देवगांव है और देवगांव की धरा भी केदार पटेल जैसे राम भक्त को पाकर धन्य हो गई, जिन्होंने राम नाम लिखने का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो किसी रिकॉर्ड बुक में हो या ना हो, लेकिन भगवान राम के प्रिय भक्तों में केदार पटेल का नाम भी जरूर शामिल हो गया होगा। इस समय पूरा देश राममय हो गया है, हर एक व्यक्ति को 22 जनवरी का इंतजार है, हर कोई रामलला के दर्शन के लिए आतुर है और ऐसे में वो भला क्यों ना उत्सुक हो जिनके गांव श्री राम रुके थे। 14 साल के वनवास के समय हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां भगवान श्री राम वनवास के वक्त कई गांव में रुके थे। आज जब उनके प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आया तो उस गांव के आदिवासियों के चेहरे खिल उठे और हर कोई श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बेताब है। वैसे भी कहते हैं कि भगवान श्री राम का आदिवासियों के साथ पुराना नाता रहा है। क्या रहा नाता और कहां कहां रुके थे भगवान श्री राम, देखिए। काहे कि जब भगवान 14 साल के वनवास काटे तो कुछ दिन यहाँ बिताई कि मैं अयोध्या तो जाऊंगा, जब ट्रेन आएगा ना तो मैं जाऊं। ये पुकार है एक भक्त की, ये ख्वाहिश है एक उपासक की, जो सालों से अपने भगवान से मिलना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। वो कहते हैं श्री राम मेरे प्रभु हैं, उनका हमसे पुराना नाता है, हमारे दिलों में वास करते हैं श्री राम। जब 14 साल के लिए वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने कुछ समय यहीं बिताया था।
दरअसल सरगुजा के रामगढ़ पर्वत पर भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 साल के वनवास के समय कुछ दिन बिताए थे। रामगढ़ पर्वत पर आज भी उसके साक्ष्य मौजूद हैं, जिसे आज भी यहाँ के आदिवासी बैगा पूजा करते आ रहे हैं। 22 जनवरी को जब पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहता है, ऐसे में यहाँ के रहने वाले आदिवासी भी अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। एक बार दर्शन हो जाते तो नहीं आ पार हो जाते। हमारे रामगढ़ में हमारे राम भगवान रहिन और बसेरा भी करिन। सूरजपुर के ग्रामीण मजदूरी कर रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। आदिवासी ग्रामीणों का कहना है कि शासन अगर रामलला के दर्शन नहीं कराएगी तो वो खुद ही अयोध्या पहुंच जाएंगे, भले ही भीड़ ज्यादा हो लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही लौटेंगे। सुने तो रहे बना थे तो खुश हैं, जाएंगे देखने के लिए। कितने तारीख को पता है? 22 तारीख। ये भक्ति बताती है कि प्रभु श्री राम को क्यों आदिवासियों से लगाव था। शबरी के बारे में आपने सुना ही होगा, जो आदिवासी लड़की थी जिसे लोग अछूत मानते थे। भगवान राम एक दिन उनकी कुटिया में पहुंचे और शबरी के जूठे बेर खाए। अब आदिवासी नगरों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा में ये उत्साह देखने लायक है। लोग जगह जगह भव्य कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। जगदलपुर में अयोध्या से आए अक्षत और निमंत्रण पत्र को लेकर आदिवासी भी एक दूसरे को बुलाने के लिए निकल गए हैं। क्या शहर, क्या गली और क्या मोहल्ला, सभी जगहों में राम भक्त निकलकर लोगों को 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम का न्योता देने निकल पड़े हैं। हाथों में प्रभु श्री राम के झंडे और हाथों में अक्षत लिए द्वार द्वार पहुँच कर अयोध्या का निमंत्रण दे रहे हैं। राम मंदिर की स्थापना हो रही है, भगवान राम जी जो विराज रहे हैं राम मंदिर में, तो उसमें बढ़ चढ़कर दिवाली से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हम पूजा पाठ करें और स्वागत करें, तैयारियां करें, तो इस टाइप का उनका सब चल रहा है। ग्रामीणों में ये उत्सव भव्य रूप से मनाएंगे। गांव हर व्यक्ति के मन में यही सोच है कि एक नया दीपावली आया है। आदिवासियों के प्रेम को देखकर ऐसा लगता है मानो गांव-गांव दीपावली का माहौल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब कुछ और खबरों की बात करेंगे, जहां पूर्व विधायक भोजराज नाग को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला, जिसके बाद पूर्व विधायक काफी खुश नजर आ रहे हैं। निमंत्रण मिलने के बाद न्यूज 18 से खास बात करते हुए भोजराज ने कहा कि हमारे पूर्वजों के पुण्य कार्य हैं कि मुझे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। भोजराज नाग 18 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, जहाँ 22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्री भोजराज नाग के पास भी श्री रामलला के मंदिर से निमंत्रण आया है। आइए जानते हैं कि भोजराज नाग जी को निमंत्रण मिलने के बाद उनके मन में कितना उत्साह है और राम जी के प्रति कितनी आस्था है। भोजराज जी, आपको निमंत्रण मिला है, 22 जनवरी को आप कार्यक्रम में शामिल होंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबको जय श्री राम। बहुत ही गर्व की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ी पहले बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, इसलिए मुझे जैसे व्यक्ति को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए मैं ये समझता हूँ कि मेरा परम सौभाग्य है, यानी मेरा पूरे जीवन सफल हो गया। को श्री रामलला जी के से क्या मांगेंगे, क्या विनती लेकर जाएंगे लोगों के लिए? मैं राम जी से यही प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में राम राज्य की कल्पना को लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो फिर से राम राज्य आए, भारत विश्व गुरु बने, सब में सद्भावना हो, समरसता हो, सब में भाईचारा हो, विश्व का कल्याण हो, भारत विश्व गुरु बने, यही हमारी कामना है। तो ये है भोजराज जी, पूर्व विधायक अंतागढ़ विधानसभा, जिनको जो है 22 तारीख के राम प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता आया है और काफी उत्साह में है।
और रामलला से क्षेत्र के लोगों के लिए विनती करेंगे। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18, कांकेर। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।